मैंने कुछ ब्लैक बताया था ना, स्लोवेस्ट फैक्टर डिसाइड करता है कि अब रेट कैसा होना चाहिए। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर कोई भी चीज जो कम है, अब कम जो चीज है वो डिसाइड करेगी कि क्या चीज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक सेकेंड, लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि हमारे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना, और उसके बाहर जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, और जो कनेक्टेड होता है वेल नेटवर्क उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। ये स्ट्रक्चर तुम लोग बहुत बार देख चुके हो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो हमारे पास कुछ पिगमेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास जो पिगमेंट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक प्राइमरी पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल, कौन सा वाला क्लोरोफिल, मोस्टली क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है। और एक होते हैं हमारे पास एसेसरी पिगमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, कैरेटिनॉइड्स। इन कैरेटिनॉइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये क्या होते हैं हमारे पास, प्राइमरी पिगमेंट। लेकिन प्राइमरी पिगमेंट के आसपास जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट का क्या नाम होता है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, तो कैरेटिनॉइड्स के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, दो टाइप के पिगमेंट आ जाएंगे, कैरेटिनॉइड्स एंड आई मीन कैरेटिनॉइड के अंदर आ जाएंगे कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो एक ना इसी तरीके से इनका एक पिगमेंट का सिस्टम होता है। जैसे बीच में होगा क्लोरोफिल ए, लेकिन बीच के बाद जो आसपास के जो प्रोटीन, आसपास के जो पिगमेंट्स होंगे वो होंगे कैरेटिनॉइड्स। तो अगर सनलाइट आ रही है, कोई रेडिएशन आ रही है, तो वो रेडिएशन सेंटर पे तो पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन जो रेडिएशन इन सब प्रोटीन पे पड़ेगी, इन सब पिगमेंट से पड़ेगी, तो वो ले एनर्जी को लेके फाइनली किसको ट्रांसफर कर देंगे, प्राइमरी वाले को। जैसे अगर सरकार मोदी जी की चल रही है, तो जितने ही मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या वो मोदी जी को नहीं पता कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर है वो, सब पता है उन्हें। मिनिस्टर को लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जितना ही भ्रष्टाचार हो रहा है वो अल्टीमेटली डायरेक्टली कहां पे जाएगा, पीएमओ ऑफिस में जा रहा है। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जितना ही पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या लोगों, मिनिस्टर को पता नहीं है कौन कितना इकट्ठा कर रहा है? तो जितना ही पैसा है वो अल्टीमेटली कुछ पर्सन कहां पे जा रहा है, जो ऊपर से भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है वो वहां पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली सरकार के पास ये पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है? जितने भी चालान कटते हैं वो सब पैसा पुलिस वालों के पास गया है या सरकार के पास गया है? और सरकार में जो हेड है मेनली उसके पास गया है। ठीक है, और लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना उसके बीवी बच्चे, तो वो क्या करेगा? हाँ नहीं है, लेकिन वो अपने मेनली पीएमओ ऑफिस तो जा रहा है ना, जो भी काम करवाने हैं, इलेक्शन के लिए यूज करें या फंड के लिए यूज करें, कुछ भी करें वो उनकी बात। तो इसका मतलब अगर ये एसेसरी पिगमेंट भी लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, मेन पिगमेंट को। और मेन पिगमेंट कौन है यहाँ पे? वेरी गुड, ठीक है, याद रहेगा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। क्लोरोफिल हमारे पास सब लोग जानते हैं कि हमारे पास प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है। ऑब्वियसली ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। इसका मीनिंग क्या है लाइट को, देखो ये अगर क्लोरोफिल है तो लाइट तो एनर्जी ने एब्जॉर्ब करी, लाइट के बाद ही अपनी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पर भी देखो, वाटर भी अगर टूट रहा है, तो वाटर जो होता है वो 2H+ निकालता है। अरे भैया 2H2 है, तो H2 में से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, O2 निकलती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है, H2 अगर है तो H2 में से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलते हैं, हाफ O2 निकलेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकले तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये एक्चुअली में अगर जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, तब तब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तुम एक बार ऊपर जाना, ऊपर ना लैपटॉप रखा है, लैपटॉप, चलो छोड़ो कुछ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो याद रहेगा, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल हैं। तो क्लोरोफिल ए, बी, सी,
ए बी सी डी तो पढ़ाई है तुम लोगों ने एलजी के अंदर, सात और क्या क्या है, और क्या क्या क्लोरोफिल दिख रहे हैं? तो ये सब मेनली में आएंगे या एसेसरी में आएंगे? वैसे तो मेनली में आना चाहिए, लेकिन मेनली में क्या आता है, मेनली क्लोरोफिल ए, बाकी सबको हम थोड़ा सा एसेसरी में काउंट करके चलते हैं, ठीक है? तो टू टाइप के हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, बाकी सारे फिर एल्गी के अंदर हम ले लेते हैं। ऑल दो वो भी प्लांट है, एल्गी वाला भी प्लांट है, ठीक है? तो क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, इसका क्या मीनिंग है? अभी बताया मैंने, बीच में कौन प्रेजेंट है, जैसे पूरी कैबिनेट है, पूरी कैबिनेट में बीच में कौन बैठता है? अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो बीच में कौन आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में आएंगे, लास्ट में कोने में कर दिया मोदी। और यहाँ पे कौन बैठा है, एक नाली साफ करने वाला पार्षद बीच में, ऐसा कभी देखा है तुम्हारे स्कूल में? जो फोटो होते हैं प्रिंसिपल बीच में बैठती है, कोने में कर दिया, मैडम को धक्का मार दिया एक लड़की ने कि मैडम जगह दो ना। और साइड में एक लड़के ने मुंह पे ऐसे कर दिया मैडम के कि मेरी फोटो तो आने दो। तो बच्चे कह रहे प्रिंसिपल कहाँ पे, कह रही ये रही कोने में, शक्ल नहीं दिख रही। ऐसा नहीं होता है, हमेशा जो मेन हेड होता है वो सेंटर में आके बैठता है। अगर आप मान लो प्रेसिडेंट ऑफिस में गए, द्रौपदी मुर्मू को साइड में कर दिया सबसे पीछे, कह रही आप तो वैसे भी दिखते तो हो नहीं फोटो में, ठीक है बदतमीजी कर रहे हो दिख रहे हो फोटो में, कह रहे आपको पता नहीं है क्या ये बात, तो ऐसे बकवास मत करो यहाँ पे। तो बीच में आएंगे द्रौपदी मुर्मू, बाकी सारे ऐसे जो भी लोग होंगे पीछे रहेंगे, आईएएस तक भी कोने में कर दिया जाएंगे, लेकिन बीच में वो आएंगे, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है मैं आईएएस हूँ, द्रौपदी मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो कह रहा पता है आप कैसे बने, तो बकवास मत करो यहाँ पे। वो कह रहा आप ज्यादा हार्डवर्क मैंने किया है, तो ठीक है वो बात अलग है, लेकिन जो सबसे सुप्रीम पद है वो सुप्रीम पद होता है, प्रथम नागरिक हो तो प्रथम नागरिक की रिस्पेक्ट करना सीखो। अब वो कैसे भी बनी है वो अलग बात है, बेशक उन्होंने को इतना हार्डवर्क नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया होगा, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया होगा। तुम सिर्फ पढ़ाई करके आए हो, पढ़ाई करने में बहुत हार्डवर्क लगता है नो डाउट, लेकिन समाज के लिए कुछ करना वो और भी बड़ी बात होती है, ठीक है? अब आपके सामने यहाँ पे है कि क्लोरोफिल ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज होते हैं, क्या आपको दिख रहा है क्लोरोफिल ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज हुआ है? बीच में देखना कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, मैग्नीशियम के आसपास कौन बैठा हुआ है, और नाइट्रोजन के आसपास तो पूरी कार्बन की चेन ही दिख रही है, तो मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बाकी सारे तो कार्बन है ही जो आपकी बॉडी में भी दिखते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए। ऐसी क्लोरोफिल बी में भी क्या कुछ कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी के साथ साथ आप देख पा रहे होगे, देखो यहाँ पर तो कीटोन, आपको कीटोन दिख गया, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिख गए, तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के अंदर बीच में कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बीच में से क्या निकल के आ रहे हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और फिर तो पूरी कार्बन चेन है ही, तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, बच्चे याद रहेगा? तो ये बस ध्यान रखना है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बस ऐसा ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन ऐसे प्रेजेंट है। डन। बाद में मित्रों, हे सारे बच्चे लिख लो क्लोरोफिल ए पे C55। हाँ एक सेकंड लिखो जल्दी से, C55 H72O5, सारे बच्चे लिखो C55, यस, क्लोरोफिल ए लिखो, उसके आगे लिखो C55 H72O5 N4 एंड फिर मैग्नीशियम 1, लिख लिया? अब लिखो क्लोरोफिल बी C55 H70O6 N4 Mg, C55 H70O6 N4 Mg, क्लोरोफिल बी के अंदर ऐसा क्या ऐड हुआ होगा कि वो क्लोरोफिल ऐसे क्लोरोफिल बी बन गया होगा?
वो तो दिख गया सबको। कुछ और बात बताओ, फॉर्मूले को देखो जरा एक बार, H2O को किसमें ऐड करें कि वो A से B बन जाएगा? भैया A का फॉर्मूला देख लिया, क्लोरोफिल A, इस क्लोरोफिल A के अंदर बस वो H2O ऐड कर दो, या हटाना है ऐड करना है? हाँ ऐड करना है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ओ सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई है। ना 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 ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि वो H72 बोला है ना मैंने उसमें। हाँ हाँ तो लेकिन ऑक्सीजन तो इसमें हो रहा है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें O5 है। अरे हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। ए के अंदर हमें वाटर ऐड करना है ना, तो ए के अंदर जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? बी बन जाएगा। अरे देखो ना गवार बच्चों, अपनी कॉपी में देखो एक बार। अरे गवारू बच्चे, सब कुछ सेम है लेकिन हाइड्रोजन में कितना एडिशन हो गया है? क्या बोल रही हो मैडम? अरे आपने क्लोरोफिल ए में H72 लिया है और O5 लिया है, वहां पे क्या है? H70 एंड O6 है। मैं सही बोल रहा था ठीक है, कुछ नहीं बोला मैंने, लेकिन मतलब मेनली मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर 68 होता तो बन जाता ठीक है। मैं वही तो बोल रहा था, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया एक पल के लिए। हाँ यहाँ पे एक बार फॉर्मूला देखो, C55H72O5 है और वहां पे क्या है? H70O6 है। गड़बड़ हो गया ना, हाइड्रोजन वहां पे ज्यादा है लेकिन वाटर का फिर भी एक समझ आ गया होगा, तो आपको फॉर्मूला तो देखो याद करना है। मेरे सॉरी टू से 70 700, हाँ तो ऐसे याद रखना है ठीक है, बाकी का याद नहीं करना। लेकिन क्लोरोफिल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने स्पेशली लिखवा दिया ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। C55H72O5N4 मैग्नीशियम ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और ऑक्सीजन को बढ़ा देना, कम मत करना। अरे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, वो फॉर्मूला है बस, ऐसे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मत बोलना, नहीं मत पूछो, याद रहेगा कोई बात नहीं। येलो ऑरेंज हमारे पास कैरेटिनॉइड्स आ रहे हैं, तो ये एसिडिक पिगमेंट्स हैं। बच्चे शांत हो जाओ, तुम पीछे जाओ, तुम्हारी हाइट बढ़ी है ना इसलिए, तो एकदम यहाँ पे आ जाओ फिर। वानिका तुम इधर आ जाओ और उसको उधर बैठने दो। अरे हाँ अरे आ जाओ, जल्दी आओ यार, कॉपरेट कर लो थोड़ा सा, सबका ध्यान रखो, सबका साथ सबका विकास, जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। अब श्रुति कह, अगर तुम मेरे आया तो मैं पीछे से घुसा मार दूंगी कह रही मैं नहीं देखती कौन क्या है, मैं तो सीधे पेल देती हूँ ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो हमारे पास कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होते हैं, जिसके अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल आपने देखा, तो ये ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स देखें कभी ब्लैक एंड व्हाइट? एक बच्चे कह रही मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो मेरे को फ्रूट्स भी अपने ही जैसे दिखते हैं, मतलब सॉरी मतलब अपनी जिंदगी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, पर ऐसा नहीं होता है। आपके साथ हुआ है लेकिन अफसोस की बात है कि वो सिर्फ आपके साथ ही हुआ है, बाकी सबके साथ नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी बेरंगीन हो किसी की जिंदगी, लेकिन फ्रूट्स रंगीन ही होते हैं ठीक है। तो फ्रूट्स कभी केले का रंग कैसा होता है? येलो, और खोलोगे तो व्हाइट, उसके बाद फिर सेब अमरूद संतरा अनार सब कुछ कितना कलरफुल होते हैं, मतलब एकदम एक बच्चे करी हाँ एक बार रेनबो बनाया था इसलिए, तो इतना भी नाटक मत करो। लेकिन ये रेनबो क्यों बन गया होगा इतना कलरफुल? ज़ैंथोफिल यानी कैरेटिनॉइड की वजह से ठीक है, याद रहेगा। एक बार एक बायो वाली एग्जामिनर आई और उसके यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिए गए, तो एक बच्ची का वाइवर तो वो कह रही ओहो इतने सारे फ्रूट्स, वो कह रही क्या बदतमीजी है, मैं एक्सटर्नल हूँ, कह रही हाँ तभी तो इतनी सेवा पानी हो रही है, वो कह रही क्या मैनर्स है, तुम्हें शर्म नहीं आती बदतमीज लड़की? कह रही है एक दिन तो तरह कह रही हमसे पूछ भी नहीं रही तुम कौन हो, तो कह रही हाँ चलो ठीक है क्वेश्चन पूछो, वो कह रही पहले तमीज से बात करो। तो उससे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा तुम्हें ये फ्रूट बहुत ज्यादा दिख रहा है, बताओ इसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? कह रही पिगमेंट का तो पता नहीं लेकिन टेस्ट मुझे सबका पता है
तो यहाँ पे बकवास नहीं करनी, ठीक है? उसके 0 नंबर आए प्रैक्टिकल में, ऑल दो थ्योरी में उसके 70 में 70 आए, लेकिन ऑलमोस्ट वो 0 नंबर लेकर आई है प्रैक्टिकल में, तो तो इसलिए एक्सटर्नल एग्जामिनर से बदतमीजी नहीं करनी है। उसको लग रहा था कि नहीं नहीं मार्क्स तो वैसे भी स्कूल के टीचर के हाथ में होते हैं, एग्जामिनर बस ऐसे ही आते हैं, लेकिन वहां पे दिखा दिया उसने, क्योंकि वो बच्ची एक्चुअली में अपने टीचर को भी बहुत तंग करती थी, लंच पहुंच जाती थी और आज क्या भेजा है तुम्हारी मम्मी ने वो कह रहा मेरी मम्मी मेरी वाइफ है बदतमीज, तुमने कहा जो भी है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये पिगमेंट ज़ैंथोफिल और कैरेटिनॉइड जो है हमारे, कैरेटिनॉइड और ज़ैंथोफिल हमारे पास, देखो लास्ट में लिखा भी है दे प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स, एंड ज़ैंथोफिल हमारे पास किस चीज में हेल्प करता है, डेसिपेशन ऑफ एक्सेस एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी आ गई है तो उसका यूटिलाइजेशन, अगर प्लांट के पास ज्यादा एनर्जी है तो उसका यूटिलाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एसरी पिगमेंट जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पास इट ऑन टू द पिगमेंट। एक सेकंड, तीसरी लाइन पढ़े सारे बच्चे एक बार, इस तीसरी लाइन को ध्यान से पढ़े, हो गया है। एक बच्चे ने क्या करा, नाइन्थ क्लास में, उसका श्रेणी का बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही पढ़ी लिखी, बड़े अच्छे नंबर लाती है, मेरे नाम से बच्चों की एक्साइटमेंट, वो इतनी पागल हो गई, मतलब अपने दोस्तों के कहने पे थी पागल, मेरा नाम लेके कैंटीन से उसने खाना खा लिया, किस आगे सर ने बोला है। अब वो उनके उसने दो तीन, मतलब इसका भाई भी आ गया था उसमें इन्वॉल्व, मतलब लेकिन उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था, मतलब इसका भाई भी था और दो और भी दोस्त थे, तो उनको पता नहीं था कि ये सब हो गया है। अब वो उसके दोस्त थे तो उन्होंने ठीक खा लिया, खाने की कोई दिक्कत नहीं, खाने का कोई दिक्कत नहीं, उसको पता ही नहीं था, लेकिन ये जो फ्रॉड तुमने करा, मतलब खाने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम बोलो मेरे को तो मैं कर दूंगा, इट्स फाइन, लेकिन जो तुमने मेरे से विदाउट परमिशन, उस लड़की ने मेरे से बिना पूछे झूठ बोल दिया वहां पे, सागर ने हाँ बोल दिया, ये तो फ्रॉड है। मतलब आज तुमने ये किया, कल को तुम क्या कर दो और बोल दो सागर सर ने बोला, तो मैंने उसको बहुत फटकार लगाई है, और अब जाके उसका मैसेज आया कि सर सॉरी, वो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, हम आप सब मजाक में तो रहते, मजाक में इतना मजाक थोड़ी कि तुम फ्रॉड कर जाओ। फिर उस जगह में बाकी सारे और लपेटे में आ गए, उन्होंने बोल दिया ये सब इन्वॉल्व थे, तो मैंने कहा पर इन्होंने तो सिर्फ वैसे करके आया ना कि उनको तुमने बताया थोड़ी कि तुमने क्या किया है, उनको बस तुमने ये बोल दिया कि पार्टी चली, सागर ने पार्टी थी, सब लोग आ गए, वो सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, तो मैंने भड़काया फिर अच्छे से। तो इसलिए मजाक मजाक में इस चीज का ध्यान रखो, कुछ गड़बड़ ना कर देना, बस बता रहे हैं ताकि, क्योंकि इन सब बच्चों की वजह से ये सब हो जाता है, दूसरे बच्चे बेचारे बेफालतू के फंस जाते हैं। हाँ तो आ जाते हैं, मतलब इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे वहां पे बेफालतू के आ गए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, खा गए सब कुछ, और जिसने नाम लिया मेरा उसी को एक मिला, लो ये तो और सुनने वाली बात है, मतलब एक मतलब तो इससे साफ पता चलता है कि मतलब एक्साइट दोस्तों के साथ तुम लोग ऐसे ऐसी हरकतें कर जाते हो कभी कभी जो कि अनइथिकल होती हैं, वो एकदम जो हवा आती है ना जी कि दोस्त 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 बातें कर रहे हाई हो, तो उसमें दिमाग एकदम बिल्कुल शून्य है, मतलब उनसे बोलना कि नाली साफ करनी है, सर ने बोला तो नाली साफ करने लग जाएंगे, वो भी हाथ से कि चलो कूड़ा निकालो सर ने बोला है, मतलब दोस्तों के साथ ऐसे ऐसी हरकतें कर जाते हैं बच्चे यहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा तो ये तो चलो हमारे पास हो गया, थर्ड लाइन पढ़ ली, भैया जो सेंटर है अगर कोई डायरेक्टली मोदी जी को पैसा दे रहा है तो वो तो मोदी जी के पास जाएगा ही जाएगा, ये वजह कह रहा नहीं, जो मोदी जी के पास जाएगा वो जाएगा पार्षद के पास, और जो पार्षद इकट्ठा कर रहा है वो जाएगा मोदी। अरे भैया ये कोई लेन देन नहीं चल रहा है, ये बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि जितना ही पैसा इकट्ठा जाएगा वो किसके पास जाएगा, सुप्रीमो के पास, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कांग्रेस। कांग्रेस के टाइम पे जितना भी घोटाला हुआ, चाहे वो कोयला घोटाला हुआ,
चाहे वो बिजली घोटाला हुआ, चाहे वो पानी घोटाला हुआ, सारे घोटाले का पैसा कहाँ पे गया? गांधी परिवार के पास, क्योंकि हेड कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय अध्यक्षा। ठीक है, तो तभी तो इतना पैसा है कि आज भी बताओ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें खूब लुंगाड़े घूम रहे हैं। लुंगाड़े का मतलब है ऐसे लफंटर बच्चे घूम रहे हैं वहां पे, इतना खाने पीने को मिलता है वहां पे, विफल तो जुड़ गए। और वहां से लेकर अब तो चल रहे हैं, हरियाणा से जम्मू कश्मीर पहुंच गया, कह रहा कुछ खर्चा ही नहीं हुआ मेरा, अभी हरियाणा में आ गया इन्होंने, कोई खर्चा नहीं हुआ। वो मद्रास से लेके कहां से साउथ इंडिया से लेके चला है वो, उसको 2 महीने हो गए, 2 महीने से उसका कोई खर्चा नहीं हुआ है। कह रहा बना मेरी पहले पहले कुछ सैलरी खर्च उठाती थी क्यों? वो कह रहा है ऐसी भारत छोड़ो यात्रा हमेशा चलती रहे, क्या क्या करना है, बस चलते रहना और खाते पीते रहना। क्या रैली के तो खूब मिलते हैं, केले पकौड़े आम पात चक्कर तो इसलिए अगर किसी को खाने पीने का शौक है तो मेरा नाम लिए बिना भारत जोड़ो यात्रा में चले जाओ, वहां पे खूब मिलेगा आपको। तो आई के सामने आ गया होगा ऐसे पिगमेंट्स है, तो इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब सेंटर के पास ट्रांसफर होती है। इसका हेलमेट अच्छा ओके। तो अब देखो ये हमारे पास दिखाना चाह रहे हैं कि हम क्लोरोफिल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर का यूज करके। ये आपको लेबोरेटरी में करवाया जाएगा, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। बस ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी को हम चीजें सेपरेट कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है, आज पढ़ा भी हो, क्रोमेटोग्राफी। ये अभी आपके केमिस्ट्री में भी आएगा, अभी जो सेकंड आ गया हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन है ना, और जो ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है पहला चैप्टर, जीओसी बोलते हैं उसे, जनरल केमिस्ट्री पढ़ोगे। बस अब चुप हो जाओ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बीच वाले बीच के रहते हैं, लेकिन जो एंड वाले होते हैं वो फेमस होते हैं। एक महागरीब और एक महाअमीर, नॉर्मल अमीर भी नहीं के, महाअमीर फेमस होते हैं। जैसे कौन है वो, मस्क, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क जो भी, तो वो फेमस है। वो बताओ ट्विटर पे पूछ रहा है कि बताओ मुझे सीईओ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लोगों ने कहा नहीं रहना चाहिए भगवान। वो कह रहा है मेरे ट्विटर पे मेरी बिल्ली मुझे नहीं आऊँ क्या पे आ जाए, तो लोगों ने उसको नेगेटिव दे दिया। तो 55% लोगों ने कहा कि हाँ करते रिजाइन, ताकि कोई नया देखने को मिले कुछ। तो और वो अभी बना था सीईओ, तो इसका मतलब मेनली है गरीब और अमीर लोगों का। तो देखो ये जो लाइन देख रहे हो, मैंने बताया था गामा एक्स, यूवी, माइक्रो इंफ्रा रेडियो, और हमारे पास क्या होता है विजिबल। विजिबल को जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा विब्रियो निकल के आता है। ये वाला रीजन कौन सा है, एंड वाला, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ब्लू रीजन बोलते हैं, और एक ये वाला रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड रीजन। तो इनके अलावा ये जो बाकी यहाँ पे हैं, येल्लो ग्रीन, ये सब एवं है तुम्हारी तरह, ये तुम्हारी याद दिलाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये एक्सट्रीम बच्चे हैं, एक बिल्कुल खुराफाती जो शरीन का बच्ची पकड़ी गई है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है, जैसे कि प्रियांशु। ठीक है, तो ये प्रियांशु वाला है, और आई एम सॉरी नीट के अंदर मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा जब तक कि आप 500 का आंकड़ा पार नहीं करोगे, जब तक मैं भी किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नीट के अंदर कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ है। जेई, तुमने अगर ये पाथ चूज किया है, ये पार्थ नहीं, ये पाथ के पार्थ, तो पार्थ की तो अलग बात। तो जब तक आप 500 का आंकड़ा का पार नहीं करेंगे तब तक आप नीट वाली रेस में भी है ही नहीं। आई नो पेपर बहुत अच्छे लेवल के दे रहे हैं हम लोग, पेपर बहुत ही अच्छे लेवल के हैं बेटा, जिसको पेपर दिखा दो ना उसकी जान निकल जाएगी, चीख निकल जाएगी उसकी, चाहे वो तुम्हारी मैडम हो चाहे तुम्हारे सर हो, तो यहाँ पे हालत खराब होती है। ठीक है, तो इस पेपर में भी अगर आपका 500 बहुत जरूरत थी मुझे इसकी, क्योंकि हालत खराब कर देगा कुछ, तो इसलिए 500 का आंकड़ा आपको पार करना ही पड़ेगा। इस बार तुम्हारी कितना था आंकड़ा? 417। ठीक है, अभी 80 दूर हो, मतलब ऑलमोस्ट 80 दूर हो, 80 बहुत हो। ठीक है चलो, 4 नंबर और मिल गए तो चलो तो 419 कदम दूर हो। ठीक है फिर 420 से, तो मतलब ठीक है हमारे पास ये तो चलो फिर भी आसपास आ गई है, लेकिन जो जो ऑर्बिट से आसपास चल रहे वो अपना थोड़ा सा और ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कुछ तो शायद 2 डिजिट में ही चल रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 डिजिट में लेकर आओ। अब इस बार का टेस्ट कब है? अरे ले सही में मरवा दिया भैया तुमने तो। ओके करते हैं फिर। अच्छा इतना समय आ गया। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो ये दोनों का मतलब एक तरह से आपको क्या समझना है कि हमारे पास ऐसी कौन सी रेडिएशन है जो कि फोटोसिंथेसिस अपना हाईएस्ट लेवल पे रखती है, एकदम हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस करेगी, कौन सी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक है ब्लू रीजन और एक है हमारे पास रेड रीजन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, रेड ड्रॉप इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हेन अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट मोर देन 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो एक हमारे पास टॉपिक होता है जिसको ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल एक रेड ड्रॉप माना जाता है कि अगर आपकी कोई भी वेवलेंथ है जो कि 680 नैनोमीटर से क्या होगी, ज्यादा या कम, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो उसका क्या माना जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस को कम करवा देगा। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, हाँ बोलिए। कह रहे 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कर लो। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज मेरा मतलब सन्नी सर भी आ गए हैं वैसे यहाँ पे, मेरा मेरा छोटा भाई भी आ गया, बताओ उसकी पहली क्लास है और वो आज ही लेट है आधे घंटे। मैं उसको लाइव दे रहा हूँ कि कब आएगा, बच्चे आधे घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने कहा हद है बिल्कुल, उसको तो अभी मतलब 10th ही दिया है, अभी तो उसकी 7th वाली क्लास दिया सर। वो इससे आता है ना, उसको उसको गवर्नमेंट स्कूल में है वो, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल के पता नहीं क्या करता है, पता नहीं 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, 2 बजे से नहीं आया, बताओ यहाँ पे। ये तो हालत चल रही है, बताओ। पर ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेड ड्रॉप हमारे पास क्या होता है। देखो अभी ना एक चीज और आएगी जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक ही पिगमेंट का एक समूह है, एक ग्रुप है बहुत सारे पिगमेंट्स का, तो इसके अंदर दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं, एक फोटो सिस्टम होता है PS1 और एक है फोटो सिस्टम टू, PS2। तो ये पिगमेंट्स का एक समूह है, जैसे मान लो तुम इतने सारे ग्रुप हो, एक ही समूह बना है, क्या समूह में कितने लोग हैं, दो, अंश और श्रुति, और एक ये सब हंस के रहे, और एक ये समूह है ये वाला, तो ये ज्यादा लोग वाला है तो इसको नाम, लेकिन है तो ये सारे पिगमेंट ही, इनका काम क्या है, नीट के लिए तैयारी करना। अब ये समूह में लड़ेंगे, अब जब नीट का एग्जाम हुआ तो इनका टोटल देखा गया, तो इनका जब टोटल देखा गया तो इनका टोटल कितना आया, 100 मान लो, और जब इनका टोटल देखे तो इनका कितना आया, 150। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोगों से ज्यादा नंबर आते हैं, एवरेज लिया जा रहा है, तो जितने लोग होंगे जितने ही मार्क्स आएंगे टोटल उसको नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा होकर भी कमी आएंगे, क्यों, क्योंकि नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक का लोड दूसरे पे चले जाएगा फिर, तो इसीलिए एक एक का कंट्रीब्यूशन बहुत, और यहाँ पे बहुत सही तो दोनों ठीक थे तो एवरेज से निकल के आया। तो ये हमारे पास दो समूह होते हैं प्लांट के अंदर, एक PS1 एक PS2। PS1 और PS2 ये कि कौन से वेवलेंथ पे काम करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे 680 एंड 700। सारे बच्चे बोले 680 एंड 700, ये दो वेवलेंथ ऐसी हैं जो इस टाइप की वेवलेंथ को, मतलब दो वेवलेंथ ऐसे जहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छी मानी जाती है कि इन पे अच्छा काम होगा, 680 पर अच्छा काम होता है और 700 पे अच्छा काम होता है, बाकी तो बीच वाले हैं जो बताया था, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास, सारे बच्चे बच्चे देखो 680 दिख रहा है, तो 680 के आसपास हम क्या मानते हैं कि ये हमारे पास ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वेवलेंथ दे रखी है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके अंदर भरा हुआ है, मैंने इसे सनलाइट के सामने दिखा दिया और इसने सनलाइट को लेकर वापस रिफ्लेक्ट करवा दिया, सुनाई नहीं इन लोगों ने, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, मैंने इसे सनलाइट को दिखाया और इसने क्या करा, सनलाइट को लेकर रिफ्लेक्ट करवा दिया, क्या वापस, तो टकराया और टकरा के वापस, तो क्या इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब वो 680 वाला था ही नहीं, वो ये सब थे 560। 560 देना कितना अच्छा आ रहा है,
इसको देख के वैसे मुझे तुम्हारा रिजल्ट याद आ गया, आई एम सॉरी टू से दैट। तो यहाँ पे, और ये तो हाई बाकी वाले इंस्टीट्यूट के बच्चे, तो यहाँ पे ये अभी आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ रही है, यहाँ पे आईएलसी के टेक के साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। पर मुझे उम्मीद है कि हम पहले यहाँ पर आएंगे और फिर इतना भी तो मतलब ये ज्यादा एक्साइट हो गई है इसकी, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है। 680 एंड 700, और किस चीज का रिजल्ट देख रहे हैं हम? एब्जॉर्प्शन का देख रहे हैं। जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा अच्छी बात है, उतनी बुरी बात है? अच्छी भैया, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एक बच्ची कह रही नहीं फोटो याद रखना ठीक है, मुझे बकवास नहीं करनी। तो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का। एक बच्ची कह रही ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापिस जाती है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या टॉपिक चल रहा है तुम्हें, अभी क्या टॉपिक लेकर आ गई हो? कह रही आप ये बात मानते नहीं मानते कि हमारा हर तो वार्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है। अरे तो हीटअप हो रहा है तो इसकी वजह से थोड़ी हो रहा है, और भी तो रीजन है। कह रही ये अब्सॉर्ब कर रहा है तब जाके इतनी हीट है, जिस दिन उन्होंने अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया उल्टी आ जाएगी मुझे तो। आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चे, एक ग्राफ याद रखना, एक बार एग्जाम में आ गया था कि क्लोरोफिल यहाँ पे, पता क्या ये ऑलरेडी बना हुआ आया, बच्चों ने ये तो देख लिया कि हाँ ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे रट्टा मान लिया, और नीट वालों ने क्या करा, ऐसा ग्राफ खुद ही बना के दे दिया और यहाँ पे एबीसी लगा दिया कि बताओ एबीसी क्या है, कर ले गए क्योंकि किसने ये देखा ही नहीं था कि किसका ग्राफ कौन सा है, बोल बस देख लिया कि हाँ ऊपर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला कौन सा जा रहा है हाईएस्ट पे, बी, उसके नीचे कौन है, कैरेटिनॉइड, और ये जो हमारे पास देख रहे हो, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है, ये वाला, ये जो जा रहा है ये स्काई ब्लू कलर, ये है मेरे पास क्लोरोफिल ए ठीक है। तो 680 पे कौन हाईएस्ट है, क्लोरोफिल ए, और ये जो कम की साइड पे वो कौन सा है, क्लोरोफिल बी। हमें क्लोरोफिल ए से मतलब है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, ए, इसलिए। एसरी के अंदर कौन आता है, एसरी के अंदर कौन है, कैरेटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल ठीक है, याद रहेगा। अब हमारे पास आ रहा है ये वाला टॉपिक, आपको नहीं करना है, आपके सर को नहीं। हाँ, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, जो कि दिखाता है कि देखो अभी तो आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा कि लाइट एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही थी, अब है हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट। देखो लाइट एब्जॉर्ब करना, जैसे आपने कितना खाना खाया और कितना खाने खाने के बाद आपने कितनी परफॉर्मेंस दी, ये दो अलग बातें हैं। एक बच्चे का, मेरी बेटी खाना तो बहुत खाती है लेकिन रिजल्ट का पता नहीं सर, तो रिजल्ट का तो हमें बताएंगे। तो खाना भाई देखो, कोई खाली पेट रिजल्ट दे सकता है क्या? एक बच्ची कह रही हाँ दे सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब पेट में खाना पीना हो, अच्छा खासा खाना पीना खाकर आएंगे तो हम रिजल्ट ज्यादा अच्छा देंगे राइट। तो खाने पीने का तो हो गया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, एक ऐसा कर्व है जो कि क्या शो करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट द डिफरेंट वेवलेंथ। अभी जो आपने देखा श्रुति, वो कौन सा वाला ग्राफ था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का वेवलेंथ के साथ। अब वेवलेंथ के साथ कौन सा वाला ग्राफ आ रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट, जो रिजल्ट है खाना कितना बनकर आएगा फोटोसिंथेसिस से प्लांट के अंदर। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या रीजन आ रहा है सामने आपके, क्या वैसा ही रीजन है ऑलमोस्ट? तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी 680 पे हाईएस्ट है, और जो इससे पहले वाला रीजन है वहां पर भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, लेकिन जो बीच वाले रीजन है वहां पर क्या है। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एट द डिफरेंट वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक बार अगर कोई टीचर बोल ले कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन स्पेक्ट्रम, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, विच शोज रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ द लाइट ठीक है। तो वेवलेंथ के साथ क्या रोल है,
एक बार नीचे वाली लाइन पढ़ना आप लोग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एंड, इसका मतलब क्या है? हाँ, विबग्योर। तो विबग्योर में जो वायलेट और ये ब्लू रीजन है ये एंड वाला है, और जो रेड रीजन है वो भी एंड वाला है, और बीच वाले एक बच्चे कह रही येल्लो येल्लो कहाँ है, येल्लो ग्रीन ये सब बीच के हैं भैया, ये अच्छे नहीं कर पाते, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नहीं होती है। तो समझ में आ गया श्रुति? तो विजिबल के अंदर विबग्योर में कौन हाईएस्ट है? एक्सट्रीम वाले, ठीक है, जो स्टार्टिंग के और एंडिंग वाले हैं, याद रहेगा बच्चे? तो ये ध्यान रखना, देख रहे हो इधर, ये रेड रीजन है, ये ग्रीन रीजन, आई मीन ब्लू रीजन है, और ये ग्रीन और येलो वाले कम होता है यहाँ पे, ये वाली वेवलेंथ हमें नहीं चाहिए, ठीक, ये नहीं करना आपको। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन देखो जो आसपास के होते हैं ना, जो आसपास के पिगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी लाइट पड़ रही है वो अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी? फिर सैंड हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो कि दिस कंसिस्ट ऑफ द रिएक्शन सेंटर दैट इज सप्लाइड बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है? जितने भी मोदी के मिनिस्टर है वो सब क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग मिनिस्टर। जितना भी कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, लोग गिफ्ट देके जाते हैं कि आप हमारा याला प्रोजेक्ट का पास करवा देना, तो गिफ्ट देके जाते हैं कि हमारी तरफ से 2 लाख रुपए आपको, तो 2 लाख रुपए मिनिस्टर रखेगा या कुछ अमाउंट आगे भी ट्रांसफर करवाएगा? आगे करवाएगा भैया। नितिन गडकरी हाईवे मिनिस्टर है, बहुत सारी कंपनीज कहती है कि ये वाला हाईवे का प्रोजेक्ट हमें दे दो, हम बनाएंगे वाला हाईवे, लेकिन गंदी कंपनी को चमड़ा बनाने को दे दिया, एक वो चमड़ा बनाता है, कह रहा है मैं इसी का हाईवे बनाऊंगा, ट्रेन धस गई, पहली बात तो हाईवे पर ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन स्टिल तो ऐसा नहीं होता है, देखी भी जाती है, वरना मिनिस्टर फंस जाता है फिर प्रोजेक्ट की वजह से। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा बहुत हुआ है, अभी तुमने सुना होगा कि मोदी बहुत सारे लोग नीचे गिर गए थे, तो वो पुल जो बनाया था किस कंपनी ने बनाया? जो घड़ी बनाती है कंपनी, हाँ एक कंपनी थी जो घड़ी बनाती है, उस घड़ी बनाने वाली कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप ये हाईवे बनाओ, और केजरीवाल ने मतलब वहां पे उठाया था, वो बात अलग है, गुजराती ने उसे वापस भगा दिया भाई, और बीजेपी को फिर से जिता दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तो जिताएंगे। तो ऐसा होता है, सब लोग जानते हैं, तो वहां व्यापारियों की स्टेट है, सब लोग जानते हैं वे कर रहे हो, हम रोज करते, तो वहां पर ये सब चलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, जितने भी मिनिस्टर हैं ये सब जो काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली डायरेक्टली उसे क्या बोलेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये लाइट को लेता है और लाइट को फाइनली लेके कहाँ पे पहुंचाएगा? मेन पिगमेंट। और मेन पिगमेंट कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल है, तो वो उसको पहुंचा देगा। ओके, एक सेकंड जस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ कहाँ भाग रहा है, ये रास्ता ही भूल गया मेरा भाई, भाई कहाँ पहुंच गया? ग्रीना का स्कीम चला गया, बताओ मैंने कौन से रास्ते से आ रहा है बताओ, ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे कि मैंने बताया हमारे पास क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, PS1 एंड PS2, और मैंने दो लाइटों की वेवलेंथ बताई, वो कौन सी दो लाइट की वेवलेंथ है? ब्लू और रेड, 680 एंड 700। अब ये पिगमेंट का एक पूरा समूह है, जैसे अभी आपने समूह बनाए थे, तो देखो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं पिगमेंट सिस्टम के, जिनको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम, PS1 एंड PS2, याद रखोगे सारे बच्चे? मैंने आपको एक बात बताई, ये जो फोटो सिस्टम है इन पे लाइट आती है, क्योंकि तो पिगमेंट के सिस्टम है, तो पिगमेंट का काम क्या होता है? लाइट को लेना, ये लाइट को लेंगे, जब ये लाइट को लेते हैं ब्रेकडाउन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? फोटोरेसिस्ट ऑफ वाटर। जब भी पानी टूटता है तो क्या होता है? देखो H2 बोल रहे हो, तो H2 को तोड़ने से क्या बनता है? 2H+,
अगर दो H प्लस बनाए रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, सर ने करवा दिया, जहां पर आपको H प्लस दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी तो होगा बैलेंस करने के लिए, मैं यहां पे न्यूट्रल हूं, लेकिन किसने मेरे बॉडी के थोड़े कर दिए, यहां पर आ गया और यहां पे तो मैं दिख रहा है कि चार एच प्लस, तो मैं तो यहां पे न्यूट्रल था, तो पक्की बात है चार इलेक्ट्रॉन भी होंगे कहीं ना कहीं, तभी तो वो न्यूट्रल था यहां पे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन को किस सिस्टम में ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा। हेलो, यस, बाद बात करेंगे। तो ये हमारे पास है फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू बेसिकली क्या करते हैं, अरे कहाँ चला गया, कितना टाइम हो रहा है देखियो, हाँ तो दो सिस्टम हमारे पास पीएस वन एंड पीएस टू, 680 और 700। अब आपको यहां पे ध्यान रखना, देखो पीएस वन और पीएस टू होते कहां पर है, एक है स्ट्रोमा लैमिले एंड द थैलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, पीएस वन की बात कर रहा है, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में सीबीएसई में। पीएस टू सिर्फ कहां पर होगा, थैलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सारे बच्चे याद रखेंगे। मेरे पास दो पीएस है, फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू। अनुश्री ये फोटो सिस्टम होता क्या है, क्या है ये फोटो सिस्टम, खुशी तुम बताओ, वेरी गुड, तुम बताओ आफिया, समूह होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पिगमेंट्स। अभी जो आपने पिगमेंट्स पढ़े ना मैडम, ज़ैंथोफिल कैरेटिनॉइड क्लोरोफिल ए बी सी, उन सबके समूह है। और ये दो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि एक फोटो सिस्टम आपका, एक फोटो सिस्टम आपका, एक क्लोरोफिल्स का सिस्टम है, पिगमेंट्स का सिस्टम है, सारी उल्टी सीधी बातें तो ध्यान सुन लेते हो, और जो उसका मेन अकेडमिक जोड़ता हूं तो वो भूल जाते, तभी तो नंबर कमाते हैं, बायोलॉजी में नंबर नहीं आ रहे, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो फिर पूछो ही मत। फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम वन कहां पर होता है, दो जगह, दो जगह पे होता है, एक है स्ट्रोमा लैमिले, एक है थैलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। थैलाकॉइड तो वही है सिक्के वाला स्ट्रक्चर, और स्ट्रोमा लैमिले क्या है, जो दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करने वाला पाइप, वो इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे कह रही है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस, हाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस, एक बच्चे कह रही हमें लगा थैलाकॉइड ही होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता मैडम, यहाँ पे ध्यान रखो, कह रही ओके। तो फोटो सिस्टम टू कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड। दूसरी बच्चे थप्पड़ ही मारा कि पागल गधी, जब जल बोर्ड से पानी नहीं आएगा, पाइप भी कनेक्ट नहीं होगा, तो रेखा में पानी कैसे आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया तुमने। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही तो ट्रांसपोर्ट करेगा, ओ आई सी। तो आपको ध्यान रखना है फोटो सिस्टम वन, जो अभी मैंने बोला कि बहुत सारे पिगमेंट का ग्रुप है, तो उसके अंदर कौन कौन चीजें आती है, देखो फोटो सिस्टम के अंदर आती है एफ ई एस, पैरासल्फाइड, हम ध्यान रखेंगे फेरिडॉक्सिन, ये सब केमिकल्स हैं, वो पिगमेंट्स के नेम है, ठीक है, इनके तो कॉम्पाउंड भी हो सकते हैं, एनएडीपी प्लस, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट आपको याद रखना है, ठीक है, पी प्लस, रिडक्टेज एंड एटीपी सिंथेटेज, एपीडी एटीपी, क्योंकि एटीपी एनर्जी बनकर आएगी आने वाले टाइम में, एटीपी बनकर हमें एनर्जी बनानी है मेनली। आप लोग ध्यान रखेंगे फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होता है, दो टाइप में होता है, सबसे पहले लाइट फेज, दूसरा है डार्क फेज। लाइट फेज में एक तो पानी टूटता है, पानी टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, जिससे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सारे बच्चे कहाँ बोलते हैं इसमें, फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, एक लाइट फेज एक डार्क फेज। लाइट फेज जब होगा जब सनलाइट है, और डार्क फेज कभी भी होगा, डार्क फेज का लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लाइट हो तो भी ठीक ना हो तो भी ठीक,
मतलब तुम्हें लाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या है डार्क फेज। एक बच्चे कह रहे डार्क फेज का मतलब रात। अरे भैया नहीं, डार्क फेज का मतलब रात नहीं, कभी भी मतलब लाइट से मतलब ही नहीं है। कह रही मैं समझ नहीं पा रही। हाँ तो मत समझो। अब मैं कैसे समझा हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट, लाइट है तब भी काम करोगे तुम, अगर नहीं है तब भी काम करोगे। हाँ हाँ एक साथ बोलो। हाँ हो सकता है, हो सकता है, सही है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी फोटो सिस्टम टू के अंदर क्या क्या होते हैं, फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बहुत सारे आएंगे आगे जाके, प्लास्टोसाइनिन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये अभी आपको याद करना है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, याद करो अभी के अभी, अभी के अभी याद करो कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। FES, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें थोड़ी सी खतरनाक चीजें हैं, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। तो लाइट फेज में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक वाटर का ब्रेकडाउन और एक हाई एनर्जी का बनना। तो वाटर का ब्रेकडाउन तो अभी आप देख ही लोगे, जैसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहता है मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करो, जब जब मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करेगा तब तब मैं आप लोगों को एनर्जी दूंगा, ठीक है। एक बच्ची नकली इलेक्ट्रॉन का चोला पहन के चली गई। पहली बात तो ये सिस्टम है प्लांट के अंदर जो दिखता नहीं है तुम्हें, और तुम जाओगे प्लांट के अंदर कुछ की कोशिश कर रही है, पत्ती फाड़ दी उसने, उधर से उधर पहुंच गई, कैरी को चुवाई नहीं। तो ये बकवास देखे नहीं आप। तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, आपको पता है आपके बालों में 10 इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे, 10 तो कम बोल दिए मैंने, बहुत सारे। एक बच्चे कैसे करी इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एटीसी, एक बच्चे करी एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब जब इसके अंदर से क्या ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या निकल के आती है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहां पे यूज होगी, डार्क में। डार्क में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होके क्या बनता है, ग्लूकोज। एक बच्चे कह रही क्या, मैंने कहा मैं रिपीट नहीं करता, कह रही मैं समझ गई, मैंने क्या ऐसे कर रही, मैंने कहा ये कर रही, कह रही ग्लूकोज बना रही हूं। मैंने कैसे, कह रही जो मैं CO2 निकाल रही हूं मैं उसे वापस ले रही हूं ताकि ग्लूकोज बन जाए। मैंने कहा गदी ये क्या कर दिया तू, गैरी अभी आपने ही बोला कि CO2 से ग्लूकोज बनता है। अरे तो भैया वो प्लांट में बनता है, तुम अपने पे कैसे ले रही हो। गैरी सर ये बात ना बिल्कुल हजम नहीं हो रही मेरे को कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, मतलब ग्लूकोज। ये तो मतलब ये जो हॉस्पिटल में जो स्प्रे लगा देते हैं और ग्लूकोज की बोतल लेके घूमते रहते हैं सरकारी में, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे कर लो। समझ बात कहां से आ गई, गलत बात हुई। मैंने पूरी बात सुनो, CO2 से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, और वो हाई एनर्जी लाइट फेज में बन चुकी है ETC से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो वो प्लांट करता है मैडम, आपने बस डाक ही सुना कि CO2 से ग्लूकोज बन गया, और एनर्जी कहां से लेकर आई, कैरी एनर्जी मेरे अंदर होगी नहीं, आप कैसी बात कर। तो तुम प्लांट तोड़ी हो मैडम, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, कैरी वो भी लिविंग मैं भी लिविंग, इट डजंट मैटर। तो मुझे बकवास नहीं करनी, आप नॉनसेंस हो चुके हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपके पत्तियां भरी हुई है, दिमाग नहीं, तो ठीक है। तो बच्चे तो CO2 से ग्लूकोज का बनना बहुत बड़ी बात है या नॉर्मल सा प्रोसेस है, बहुत बड़ी बात है, हमारा वेस्ट है वो। एक बच्ची कह रही मैं कभी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती। बकवास सर तुम ही करती हो। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये प्लांट कर पाता है, हमारे वेस्ट को लेगा, एनर्जी ने कहा है प्रोड्यूस करी है लाइट फेज में, उस एनर्जी के यूटिलाइजेशन से क्या बनाएगा, ये CO2 से कार्बोहाइड्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, ये CO2 से रिडक्शन होगी, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनना है, ग्लूकोज बनना है, ये डार्क फेज की बात हो या लाइट फेज की। और ये डार्क फेज जो हो रहा है तो इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए, ये हाई एनर्जी डार्क फेज ही प्रोड्यूस कर रहा है या लाइट फेज। और लाइट फेज ने एनर्जी कहां से प्रोड्यूस करी है, किसकी मदद से। अरे वाह सुन लिया इस बार, ETC में ऐसा क्या भेजा गया था कि इससे प्रोड्यूस हो गया, ये बच गई नागालैंड।
इलेक्ट्रॉन, नॉट अर्जेंटीना, ठीक है, तो याद रहेगा मेसी। अभी ये हमारे पास P700, P680, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू। बच्चे 700 वाले को फोटोसिस्टम वन बोलते हैं, 680 वाले को फोटोसिस्टम टू बोलते हैं। देखो यहां पे दिख रहा है, बच्चे ये रिएक्शन सेंटर है, तो ये ग्रीन ग्रीन क्या होगा, देखो ये यहाँ पे बिजली दिख रही है, तो बिजली यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, सनलाइट आई, पता नहीं सनलाइट आ रही है यहाँ पे, सनलाइट आई है, सनलाइट से एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी, वो किसके पास गई, सेंटर में, मेन पिगमेंट रिएक्शन सेंटर के पास, और फिर यहीं पर ही हमारे पास क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर के ब्रेकडाउन से क्या निकल के आता है, मेनली मेनली जो हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन, शाबाश। एच प्लस भी निकल के आया, हाफ ओ टू भी निकल के आया, उससे मतलब नहीं है, मेन हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। सेम यहाँ समझ नहीं आया, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, आई नो दैट, बट मजबूरी भी है, क्योंकि अगर फास्ट नहीं लूंगा तो हम एनुअल फिजियोलॉजी में कब एंटर करेंगे, तो इसलिए मेरे को फास्ट भी लेना है। अभी जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो नहीं आ रहा कोई चैप्टर वाला, एनिमल प्लांट किंगडम आ रहा है। ए भगवान प्लीज इसमें अच्छा कर देना, वरना मेरी साग दाव पे लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार तो तुमने मचाई दिया गन, मैं सुन रहा वाणी का नहीं होती तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता, कि यहाँ पे एटलीस्ट वो हाईएस्ट लेकर मेरी रेंज तो बढ़ा रही है, कि एटलीस्ट इतना दम है कि मतलब इतना तक इसको कर सकते हैं। एक तो मेरे को बायोलॉजी में मिले बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बहुत सारे बच्चों में से सारे निकल निकल के ऐसे अच्छे आ रखे हैं। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार तुम्हारे नीट का पेपर कुछ और बच्चे भी दे रहे हैं, ट्वेल्थ की जो बायो वाली बच्चियां हैं वो इस बार टेस्ट दे रही हैं, तो तुमको टक्कर देने के लिए 2-3 लड़कियां आ गई हैं, पर पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही टक्कर दे दो, कि भाई जाओ दीदी काम करो अपना, घर पे काम करो। तो ये हमारे पास देखो लाइट आ रहा है, बहुत सारे पिगमेंट दिख रहे हैं, तो लाइट एक्चुअली में लेके रिएक्शन सेंटर की तरफ जाता है, रिएक्शन सेंटर पे हमेशा क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो H2O होता है वो टूटता है H प्लस के अंदर, हाफ O2 के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे वाटर टूट रहा है जो दिख नहीं रहा है, तो वाटर टूटता है तो उससे क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ATC के अंदर। अभी आप देखो कैसे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फोटोसिस्टम टू के पास कौन सी वाली लाइट चाहिए होती है, और वन के पास याद रहेगा 680 और 700, ठीक है। तो ये तो चलो हमारे पास हो ही गया, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमें मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करनी है भैया। वाटर का ब्रेकडाउन तो आपने देख लिया, अभी लाइट फेज चल रहा है, अब हमें ATP प्रोड्यूस करनी है और NADPH प्रोड्यूस करना है। जब भी NADPH का रिडक्शन होता है, मतलब NADPH बनकर आता है, तो वो 3 ATP के बराबर होता है। ATP तो ATP है ही, लेकिन जब भी आप NADPH आपको दिख जाए तो उसको 3 ATP मानना। एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे के वहां पे मुद्रा चलती है, उन्हें कौन से मुद्रा, उस मुद्रा का नाम क्या, मुद्रा ही है मेरा नाम, वो मुद्रा, वो कह रही लुपा मुद्रा, ठीक है कोई है लुपा मुद्रा, तो वो बोलती है कि 100 रुपए एक मुद्रा है वहां पे, 100 रुपए की एक मुद्रा है, तो वो अपने यहाँ पे एंटर हुई आइडल से कहते, कह रही आई हैव 5 मुद्रा, तो 5 मुद्रा का मतलब कितने पैसे हो गए, 500 हो गए ना, 500 रुपए एक तरह से उसके पास, क्योंकि एक मुद्रा। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रहा है, जब भी आप NADPH को देखोगे तो वो कितनी ATP के बराबर है, तो एक जगह पे 3 NADPH खड़े थे, वो एक बच्चे कह रहे देखो 3 ATP खड़े हैं, एक गधी, अभी क्या समझा रहा हूँ मैं, तो कितने हो गए फिर, क्योंकि एक NADPH 3 ATP के बराबर है, तो 3 NADPH तो कितनी हो जाएंगी, 9 ATP, समझ में आ गया। हमारी बॉडी में चीजें इस NADPH को कन्वर्ट करवाने के लिए भी एक सिस्टम है भाई, मुझे बात होता तो अलग अलग मुद्रा लेके जाते हो, अलग अलग कंट्री में तो सिस्टम होता ही नहीं होता चेंज करवाने का, कि हमारे इतने पैसे ले लो और US डॉलर में दो, वो कहती है मेरे को भी तो चाहिए कुछ अलग से पैसा, मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ, वो अपना पैसा काटते हैं ना, वो क्यों खुली है दुकान, वो कह रही तुम्हारी भलाई है निकले एनजीओ नियम तो पुराना, तो वो अपना पैसा कुछ काटते हैं और तुमको चेंज करके दे देते हैं, तो तुमको मिलते हैं इतने से, वो कह रही इतने सारे दिए थे तो भैया US का इंडिया से कंपेयर करोगे तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। अभी आ रहे हो जाओ, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक प्लास्टोसाइनिन होता है जो कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, इसके पास कॉपर होता है, एक प्लास्टोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट इसके पास कॉपर होता है, वो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक प्रोसेस का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, थोड़ा अजीब सा लगेगा, और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
सभी ध्यान सुनना, ये फोटो सिस्टम का एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया वाटर को तोड़ के, अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कहां पे भेजना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर तुम भेज रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस तुम्हारे पास आता है जहां से तुमने भेजा था, तो ये क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां पे एनर्जी बनेगी, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, बचेगी कहां बनी एनर्जी। अरे भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आप इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी बन जाती है, कैसे कब क्यों इसका मतलब नहीं है, केरी क्यों जब बताते तो ध्यान होता नहीं है, और जो चीज नहीं पढ़नी उसमें ध्यान जाएगा कि मैं रिसर्च करूंगी इसके ऊपर, जो टॉपिक में वो तुमसे बाहर नहीं जा रहा है, और जो नहीं है उस पर तुम रिसर्च करोगी, नॉनसेंस लड़की। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी बनकर आती है, कब कैसे क्यों ये नहीं पूछना है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया जहां से स्टार्ट हो तो ये कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन अगर वो नहीं आया तो ये बचेगी भाग गया, तो अगर नहीं आया तो वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक। इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ये जेड स्कीम वैसे तो जेड ऐसा होता है, लेकिन ये उल्टा जेड स्कीम है, एक बच्चे तो एन हो गया, हाँ एन हो गया, लेकिन बोलते से जेड है। फिर ये क्या बकवास, आज बकवास करते हैं, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा बकवास करना। हाँ मुझे एक बात बताओ, ए बच्चे इधर देखो, सारे बच्चे ये बच्चे, ये हमारे पास एक 680 एक 700 है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, सनलाइट आई दोनों के ऊपर पड़ रही, यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये थोड़ा सा नीचे छुप गया है, H2O को तोड़ते हैं तो 2H2O को तोड़ोगे तो 4H+ निकलेगा, O2 निकल जाएगा, हाँ पहले सो लाओ और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर देखो ऊपर भेज रहा है, ये एक पिगमेंट है फियोफाइटिन, तुमने भी पढ़ा भी था फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो वही सब आएंगे। फियोफाइटिन से गया प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, और उसके बाद ही किसमें गया, फोटोसिस्टम 700 में। फिर ये यही वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो यही पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अंदर इसे कुछ पूरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, और फिर ये यहां पे चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, इतना देखने के बाद एडीपी ने फॉस्फेट को लेके एटीपी बनाया, एनर्जी बनी या नहीं बनी, फिर जब ये ऊपर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास तो यहाँ पे NADP+ से NADPH बन गया, एनर्जी बनी नहीं बनी, तो एक डायरेक्ट ATP बन गई, एक डायरेक्ट NADPH बन गया, टोटल गेन कितने का हुआ, 4 ATP, ये 3 ATP के बराबर होता है, और ये तो है ही ATP, ये ठीक है। मैंने कहा क्या है, कह रही साइक्लिक फॉस्फोर, ये साइक्लिक है, कह रही हाँ देखो वापस आके कहां दिख रहा है तुम्हें साइक्लिक वापस आ गया, ये जेड स्कीम है या एन स्कीम है, ये एन स्कीम वाली बात कुछ होता नहीं है, वो तुमने खुद ही बनाया था, ठीक है। लाइट आई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पड़ा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए होता है क्या, एक बचेरी नहीं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और वो क्या होता है, तेरी हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है आप या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डोंट से हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक बच्चे कह रही है हार्वेस्ट बड़ा अच्छा होता है, मैं तो वही वाले ब्रेड खाती हूँ, ये बकवास कर रहे हो, हार्वेस्ट के ब्रेड बड़े अच्छे होते हैं बहन, तो इसका यहाँ से क्या लिंक है। एक बच्चे कह रही जब तुम हार्वेस्ट ब्रेड को लाइट में हो जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तुम पता नहीं क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेता ही है, तो ढंग से बताओ फिर, हाँ ये पिगमेंट का समूह है, इसके बीच में क्लोरोफिल है, बाकी आसपास गंदे गंदे प्रोटीन गंदे गंदे पिगमेंट है, वही कैरोटीन एंथोफिल क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी ये सब प्रेजेंट है। भैया ये सरकार है, मोदी और मोदी के मिनिस्टर बैठे हुए आसपास, ये वो है, वैसे तो समझाया था मैंने तुम्हें, ये कौन सा है तुम्हें, ये लाइट आ रही है तो लाइट इनके पास पड़ी, जब लाइट इनके पास पड़ती है तो एनर्जी चली जाएगी, एक यहाँ पे जेड भी दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे क्या होता है उसकी वजह से वाटर ब्रेकडाउन होता है, वाटर ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होगा, H+ ion निकलेंगे, O2 निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया गया, बहुत सारे पिगमेंट का रोल है,
फेओफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को पीक्यू बोलते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है साइट, ये प्लास्टोसाइनिन है, और फिर नीचे वाले पे आ गया P700। फिर यहां से भी वो इलेक्ट्रॉन और ऊपर जाएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई बैठा हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए, उसका नाम याद नहीं करना, और बस यहीं से NADPH से NADP प्लस से NADPH बन जाएगा। तो देखो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही, ये कहीं पे भी मत बना देना, एक बुझी ने ऊपर बना दे कह रही है एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, भैया जहां पर है वहीं पर ही बनाना है, कि एक यहां पर बनी है एक यहां पर बनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया क्या जमीन पर? नहीं आया ना, तो ये क्या है? नॉन साइक्लिक। तो यहां पर एनर्जी बनकर आई, ये लाइट फेज है, याद रहेगा बच्चों। अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, अभी इसके बाद अभी कोई उतारेगा नहीं, जस्ट स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये देखना मतलब ठीक है, माफ करना थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, ये वाली स्लाइड पहले नहीं आनी चाहिए थी, मतलब ये अब बता रहे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, वो बच्चा पहले पढ़ चुका है। क्योंकि वो जेड था बहुत बड़ा था, ये वाला लग रहा था, कुछ नहीं करना, देखना ए बची करी हो इतने सारे, ए बची करी सर जितने ही है उतने ही लिखने ना, अभी करी एक दो थी, अरे गधी कितने भी लिख लो तुम, बस तुम्हें दिखाना है कि PS1 से FVS में एक इलेक्ट्रॉन चला गया डेड सेट, वो काउंट कर रही है, कह रही ये एरो भी इतना ही होना चाहिए, डिस्टेंस नाप रही है, कह रही स्केल से इतना ही दिखाना है, FVS बन गया, ये याद रखना है। पेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम बेसिक साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइन वापस आ गया इलेक्ट्रॉन। जब ये हो रहा है तो देख रहे हो एडीपी ने फॉस्फेट लेके एटीपी बना लिया, एडीपी ने फॉस्फेट लेके एटीपी बना लिया, एक बच्चे कह रही है एनएडीपीएच कहाँ है तो साइक्लिक वाले में एनएडीपीएच नहीं बनता है, सिर्फ एटीपी बनता है। तो साइक्लिक वाले में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, कम कम, और नॉन साइक्लिक वाले में एक बच्चे की तो नॉन साइक्लिक करो, अरे वो प्लांट के ऊपर है भैया, वो कौन सा वाला करेगा, हर चीज का फायदा मत देखो बदतमीज, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस दोनों में हो रही है या नहीं हो रही है ये याद करना पड़ेगा, कह रही है इसको याद करने पर जान निकल जाएगी, हाँ तो जान निकाल दो तो पेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम बेसिक साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइन, फाइनल समझ में आ गया। एक बच्चे कह रही सर मेरे को सबको समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी, लेकिन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PS1, क्या है तुम बता रहे हो, तुम हंस तो रहे हो, मुझे लग रहा है ये तुम ही हो, आप ये तुम बताओ PS1 क्या है, वेरी गुड, और वो कौन से वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर वाली को, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट हैं, इस फोटोसिस्टम 1 में एसेसरी पिगमेंट्स हैं, सेंटर में है आसपास है, लो गन बचा दिया, आज बात सही बोल ली थी, और सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, सही बोल ली थी, लेकिन कंफ्यूजन इतना है ना कि गड़बड़ कर दिया सब कुछ, सब बोल दिया इसने कि वो भी है वो भी है वो भी है वो भी है, चारों ऑप्शन ही है, एक बच्चे कह रही सब लगा दो, कह रही MCQ की सबसे बड़ी सफलता है कह रही जितने भी ओवल दिख रहे हो सब लगा दो, कंप्यूटर को पता नहीं चलता कंप्यूटर, और उसे कितने आया पता है नंबर, -180 क्योंकि सब कुछ मैं नेगेटिव करके आई है, कैरी कंप्यूटर इज रॉन्ग, कैरी मैं नहीं मान सकती, कैरी वो माइनस के प्लस होना चाहिए था, माइनस लगा दिया कंप्यूटर ने, पता नहीं याद रहेगा तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं दोबारा दिखा दिया, वैसे तो लाइट आ रही है अभी तो देखा था यही, तो ये फिर से बनकर आ गया, तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन समझ में आ चुका है बच्चे, कोई भी डाउट है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद तो वैसे ये एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद तुमने पढ़ी रखा है C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, ठीक है, हाँ अभी वो सब भी आएगा ब्लैक मैन्स लॉ एंड ऑल, लेकिन मेनली तो पेपर के अंदर इतना ही आता है, तुम ये मतलब ऐसा रफा दफा कर रहे हैं, मैं कोई रफा दफा नहीं कर रहा हूँ,
सर छुपाएंगे। आफिया तुम पेपर दे रही है वैसे नीट वाला अभी? जस्ट आस्किंग, पूछ रहा हूँ। अरे मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्योंकि पेपर देने का मतलब है कि आगे जाके मिरर में दिखेगा, फिर तो मिरर में सच्चाई सामने आ जाएगी। देखो इससे डरना नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर कोई तैयारी कर रहा है, देखो बिना तैयारी के टेस्ट देने का सेंस नहीं है, तैयारी नहीं है तो टेस्ट मत देना, लेकिन तैयारी के साथ टेस्ट दोगे तो उसका फायदा है। ये छोटी छोटी जो तुम तैयारी करके पेपर दोगे ना, ये नीट में इतनी बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब बच्चे, एक हमारे पास मैंने बताया था नाम प्रकृति, किसी को याद है? मैंने उसको बोला था कि मैंने ये भी बोला था कि प्रकृति को 2 साल हो गए ड्रॉप करे, प्रकृति इस बार का पेपर दे रही है, दे रही है, हाँ 2 दे रही है, 1 उसको पता नहीं चला, अब 2 में वो आ गई है, एक लड़की ऐड भी हुई है प्रकृति नाम से, 2 साल सेकंड ड्रॉपर है वो नीट की, और वो आईएलसी की टॉपर है सेकंड, मतलब ऋषि भी था, ऋषि तो चला गया बाहर, तो वो तो बाहर से एमबीबीएस कर रहा है, लेकिन प्रकृति को बाहर से नहीं करना, ना प्राइवेट से करना, उसे सरकारी से करना है, तो वो सेकंड ड्रॉपर आ रही है, तो ऑब्वियसली इस बार के पेपर में आपको थोड़ा वो कॉम्पिटिशन मिलने वाला है अच्छा खासा, मे बी ना भी मिले, मे बी क्या पता 2 साल तैयारी ना की और ढंग से, लेकिन वो बच्ची बहुत अच्छी है, और वो उसने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करी, उसने सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, वो भी आईएलसी वाली, और वो घर बैठ के तैयारी कर रही है, और जब नहीं हुआ तो सब कॉल आया था मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने उसको बोला था कि साथ साथ कुछ और भी कर लेना, लेकिन अब क्या करें, सुनना है नहीं किसी को, तो उसने नहीं ज्वाइन किया, तो वो पूरी तरीके से 2 साल से बस तैयारी कर रही है। 2 साल बहुत टॉर्चर हो जाता है, पहले बता दो, जब तुम्हारे बराबर के बच्चे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है और तुमने अभी तक ग्रेजुएशन स्टार्ट भी नहीं करी, तो वो बहुत नेगेटिव होता है, मतलब इतना गंदा सा फील होता है ना, कि क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम 2 साल पीछे हो चुके हो, और 2 साल के बाद भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि तुम बराबर पे आ जाओगे, अभी भी चांस है कि तुम 3 साल पीछे हो सकते हो, अगर तुमने इस बार एडमिशन नहीं लिया तो बहुत गंदा वाला प्रेशर होता है वो, कि मतलब तुम्हारे दोस्त ग्रेजुएट हो गए और तुमने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन भी नहीं लिया, तो वैसे वाली सिचुएशन है, 3 साल में तो ग्रेजुएशन हो जाती है और 2 साल में डिप्लोमा मिल जाता है, पर ठीक है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना, मेन बात है अपने से दूसरे से कंपेयर मत करो, तो दूसरे से कंपेयर नहीं करना, अपना ही देखना होता है। अपने मेडिकल वाले बच्चों का एक यार नेगेटिव सीन होता है कि पढ़ाई बहुत लंबी, एक तो अगर तुम्हारे एमबीबीएस में हो गए तो फिर 5.5 साल तो तैयारी करनी है, और एमबीबीएस के बाद भी कोई खास वो नहीं है इतना, अगर तुम जूनियर डॉक्टर ही कहलाते तो तुम्हें एमएस भी करनी पड़ती, तो पढ़ाई तो लंबी है, अब इसका इस बार भी अगर होगा तो ये समझ लो कि 8 साल तक की पढ़ाई है इसकी, तो पर मेडिकल में एक फायदा है, उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो तुम टैलेंटेड डॉक्टर के रूप में बाहर आते हो, इंजीनियरिंग में क्या बुढ़े हो गए चल रहे, लेकिन मेडिकल में बुढ़े डॉक्टरों का, मतलब बुढ़े तो नहीं बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर की डिमांड होती है, नए डॉक्टरों को ऑपरेशन करने के लिए नहीं जाते कि हैं ये तो नया नया लग रहा है इससे नहीं कर पाऊंगा मैं, बुढ़ों से लेकिन ऑपरेशन करवाए, बच्चे कह रहे इसको तो हाथ कांप रहे तो उससे भी नहीं करवाएंगे जिसके हाथ नहीं कांप रहे तो बच्चे अब एक सेकेंड, ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, चेक कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अच्छा तुम्हें क्या टाइम हो गया क्या? ओके वैसे तो एक रफली देख लो, अभी हम इसको दोबारा से करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, आप लोगों ने अभी देखा कि वाटर से जब H+ निकल रहा है, हाफ O2 निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन से तो आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, ये बड़ी चलाक वाला सिस्टम है, ये कहता है कुछ भी हो एनर्जी बनाओ, हर चीज से एनर्जी बनाओ, कि कितनी एनर्जी लेगा कि बहुत लूंगा, तो ये बहुत एनर्जी बनाना चाहते हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉन से तो बना ली एनर्जी, हाफ O2 से एनर्जी बनानी है, तो उन्होंने कहा भाई पागल, हाफ O2 से एनर्जी को बनाना है, हाफ O2 तो देनी है जनता को, हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना अच्छा क्यों माना गया है, क्योंकि तुम जनता को O2 दे रहे हो और तुम O2 का यूज करवाना चाहते हो एनर्जी के लिए, क्या चलो ठीक है माफ किया, तो O2 तो हमें मिल गई, O2 भी चली गई, अब तुमको मिल चुकी है वो, और भाई फोटोसिंथेसिस में एनर्जी निकल के O2 निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, अब कौन बचा है फिर, H बचे हैं, वाटर के ब्रेकडाउन में H निकल के आए ना, अरे भैया इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बना ली, हाफ O2 तुमको दे दी उसने, किलो मर लो, आई मीन इनहेलेशन कर लो, माफ करना मैं उधर निकल जाता, और अब बचा है H+, तो अब यहाँ पे हर जगह पे H+ हो गए, तो अब होता क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है,
जिसके अंदर फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 लगा हुआ है, ये साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है सर, पे ध्यान सुनेंगे, ये क्या करता है, H प्लस को अंदर एंटर करवाता है कि भैया थायलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर H प्लस एंटर करवा दिए गए। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारे H प्लस आते जा रहे हैं, और तो अगर बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारे H प्लस आते जा रहे हैं तो अंदर H प्लस ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे, और बाहर, तो इससे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा डिफरेंस। जैसे मान लो तुमने इस पूरे किट को आइसोलेट कर दिया और यहाँ पे एक वो मिक्की माउस वाला जो हवा भरने वाला होता है वो लगा दिया, और ये रूम में एकदम हवा हवा भर गई, एकदम दीवारें भी ऐसी हो गई है, मतलब ऐसी ऐसी होनी चाहिए ऐसी हो गई हल्की सी, लोग कह रही है दीवार कैसे फूल गई है, के अंदर कुछ है, गेट भी बस तोड़ने वाला है, गेट भी ऐसा हो गया एकदम एकदम पीक पे चला गया। लोग कह रहे भैया अब अगर कोई इसके आसपास भी आ गया और किसी ने मारा तो वही सबसे पहले उड़ेगा, तो लोग उसके आसपास नहीं भटक रहे कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी खतरनाक वाला हो सकता है, कि कब किसका आखिरी सांस हो पता नहीं, एक बजे की आखिरी सांस कहीं पकड़ तीसरी सांस आएगी कि कि वो आखिरी सांस बहुत अच्छी वाली सांस हो कि पकवा सकते हैं। तो इतना ज्यादा H प्लस इतनी ज्यादा हवा यहाँ पे भर चुकी, तो बाहर और बाहर है ही नहीं हवा टंकी, तो यहाँ पे इतनी हवा बाहर हवा है नहीं, तो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको बोलते हैं हवा ग्रेडियंट। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इतना सारा H प्लस अंदर आ गया, बाहर H प्लस बचा ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कहता है कि भैया अंदर तो जा रहे हो बाहर नहीं आने दूंगा, कह रहे बतमीज होकर, तो लेकिन आने दिया, मतलब एक मॉल में अंदर तो मैं जाने दिया, बाहर निकले गेट लगा दिया, तो सोचो कैसा माहौल होगा, बहुत सारे लोग आ भी गए, किसने अफवाह मचा दी दीपिका पादुकोण ना रखी, तो सब आ गए, लड़कियां भी आ गई करी दीपिका जी, तो सब, और वो भी आके टेढ़े मेढ़े, तो सब देखने के लिए आ रखे, पूरा ऑल भर गया, पूरा मॉल भर गया है गोसिटी वाला, और अब बोलते लॉक लगा दो, अब पूरा लॉक भर गया, लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि से बचाओ बचाओ जो भी ऊपर बना भी नहीं है वहां से भी चिल्ला रही है बचाओ भैया तो ये कूदने ही वाले कि भैया मुझे घर जाना है लटके पड़े हैं एक हाथ से, एक से किसने अपनी चुन्नी पैक भी के लिए लटक जा किसने चुन्नी ने गले में बांध ली कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो ये ग्रेडियंट हुआ नहीं हुआ, रोड पूरी खाली, एक्चुअली में कोरोना वायरस चल रहा है तो बाहर कोई है ही नहीं और ये अंदर यहाँ पे विस्फोट कर रहे हैं, कोरोना वायरस ने फैला दिया, ये एक्चुअली किसकी चाल थी कि अंदर लाठी चार्ज हो पुलिस का, तो पुलिस आ ही रही है तो ये लोग भागना चाहते हैं कि इससे पहले पुलिस आए ना भगा दो, वो वॉशरूम में जाके छुप गए, जो ने वॉशरूम खोला उसमें ऑलरेडी 20 थे, बुझाएगी सांस घोट दी कुछ, तो इतनी बुरी हालत। तो ये ग्रेडियंट हुआ नहीं हुआ, बाहर की रोड और मॉल के अंदर ग्रेडियंट ग्रेट हो गया, जैसे किसने भी शीशा तोड़ा उसमें से ऐसी जनता की बाहर निकल के आएगी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरते चला धड़ धड़ धड़। तो ये हुआ यहाँ पे, अब देखो एक सेकेंड, ये हो गया, हमने ही चला के दिखाई है, ये अंदर तो जाने दे रहा है लेकिन अभी भी बाहर सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने के लिए कह रहे हैं चलो जाओ, एक बच्ची कह रही जब अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके पास वो है कुछ ऐसे मशीन लगा रखी होता है सीधे भोग देता है। तो यहाँ पे ATP सिंथेटेज है बच्चे, यहाँ पे ATP सिंथेटेज लगा हुआ है, ये जिस शक्ल F0 देखो, F0 दिख गया, अगला वाला बताना जरा, ये तो बताएंगे F0 F1 मॉलिक्यूल को ATP सिंथेटेज बोलते हैं। अब ये कहता है बच्चों तुम अंदर हो, पता है क्यों कह रहे, आप बाहर निकाला मैं ये सब बकवास मत कर, कब से मैं अंदर कर रखा है, कह रहे हाँ हाँ बता दो, कह रहे आप निकल सकते, तो कह रहे नहीं मुझे यहाँ से जाना है, कि बकवास मत करो, एक तो बाहर निकालने के लिए मैं आया हूँ, तो बस तुम यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो, यहाँ से तो आते हैं अंदर, तो बाहर यहाँ से निकलते हैं, कह रहे ठीक है। ATP सिंथेटेज याद है कुछ, ATP सिंथेटेज कहता है मेरी बॉडी में से जब जब दो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तब तब मैं ATP बनाता हूँ, इसका नाम है ATP सिंथेटेज F0 F1 मॉलिक्यूल, जब जब दो H+ यहाँ से बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो ये क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो बताओ H+ का भी यूज हो गया नहीं हो गया, इसे बोलते हैं साइटोक्रोम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ऑस्मोटिक केमिकल का मतलब H+, ऑस्मोसिस, डिफरेंस क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो जब जब H+ यहाँ से बाहर निकलेगा ये ATP सिंथेसिस ATP बनाएगा नहीं बनाएगा, तो ये भी यूज हो गया, H+ का भी यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर लिया, एक बच्चे के लिए O2
ओटू का नहीं करना है यूज, ओटू तो हमें चाहिए ना, तो पानी का पतड़ा वाला यूज हुआ। तुम जाओ जल्दी से फिजिकल क्लास में, जल्दी जाओ मेरे को मरवाओगे तो। एक तो मेरा भाई लेट आ रहा है, 5:30 बजे क्लास में, 6:30 बजे आया है और कैब खड़ी है बाहर ले जाने के लिए। वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट पढ़ा दूंगा। तो चलो ये याद रहेगा बच्चे। इसके बाद अब पता है कुछ नहीं है, ये तो पढ़ाई है तुम लोगों को डिफरेंस। इसके बाद अब एंड हो गया वैसे। इसके बाद वैसे कौन सी साइकिल आएंगी, वो C3 एंड C4 याद है, RUBP रिडक्शन याद आ रहा है, कार्बोक्सिलेशन याद आ रहा है, रीजनरेशन याद आ रहा है, और उसमें क्या था याद करो, ऑक्सैलिक एसिड कैसे OAA सबसे पहला प्रोडक्ट C4 बनता है, फिर C4 ट्रांसपोर्ट होता है, फिर C निकल जाता है और वो फिर से वापस C3 बन जाता है, पाइरूवेट भूल गए। तो अब आपके पास अभी आप ब्रेक लेने 5 मिनट का, 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आ जाओ।